बिहार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ रहा है कि आए दिन वो किसी न किसी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। चाहे बात ज्वेलरी दुकान की हो, चाहे बात सिवान की हो। सिवान में एक बार फिर से अपराधियों ने एक घटना को अंजाम दिया है। दरअसल इस बार उन्होंने डॉक्टर को टारगेट किया है। बताते चले आपको कि बुधवार की देर शाम अपराधियों ने एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। इस घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। मामला डॉक्टर अशोक कुमार के यहाँ का बताया जा रहा है, जहाँ पे देर रात लगभग करीब 9:30 के करीब में हथियार के साथ कुछ अपराधी आए, उनकी क्लिनिक में घुस गए और जो भी जरूरी सामान थी उसको वो निकाल रहे थे। साथ ही वहाँ पे एडमिट मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट की भी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे थे। इनका पूरा ये घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार नीतीश कुमार के सुशासन के राज में इस प्रकार से अपराधियों को घटना का अंजाम देना कहीं ना कहीं उनके सुशासन के सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। बता दें आपको कि बिहार में इन दिनों अपराधी कभी ज्वेलर्स को निशाने पर ले रहे हैं तो कभी आम लोगों को। अब बारी डॉक्टरों की है और डॉक्टरों पर अपराधियों ने अब जो है अपना निशाना बना लिया है और लगातार वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। छोड़े चलते हैं पूरे वीडियो के साथ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब काला पहना है, वो भी काला पहना है, ये काला पहना है।